तो दोस्तों बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है मध्य प्रदेश के भोपाल से। यहाँ पर एक न्यूज लगाई गई है, ईपीएफ कर्मचारी की मृत्यु के साथ व रिटायरमेंट के 20 दिन में करना होगा क्लेम निपटारा। दोस्तों इस तरह की अपडेट हम आपको देते हैं सबसे पहले। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो उस वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, और इसी तरह की बेहतरीन वीडियो सबसे पहले पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो के ठीक नीचे एक लाल रंग का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, आप उसको दबाइए, और दबाने के बाद एक बेल का आइकॉन आएगा, आप उसको भी दबाइए ताकि इस तरह का हर नया वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। ईपीएफ कर्मचारी की मृत्यु के साथ व रिटायरमेंट के 20 दिन में करना होगा क्लेम निपटारा। दोस्तों बहुत अच्छी अपडेट निकल कर आ रही है मध्य प्रदेश के भोपाल से, यहाँ पर काफी अच्छा फायदा होने वाला है ईपीएफ के सब्सक्राइबर को लेकर। दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम 1995 के दायरे में आने वाले कारखानों, निजी कंपनियों, निगम मंडलों में कार्यरत लाखों कर्मचारियों के लिए एक और बड़ी राहत भरी खबर है। ईपीएफओ दफ्तरों को किसी अंशदाता यानी कर्मचारी की मृत्यु होने पर 7 दिन में और कर्मचारी के रिटायरमेंट होने पर 20 दिन में सभी क्लेम का निपटारा करना होगा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के एडिशनल सेंट्रल पीएफ कमिश्नर आरएम वर्मा ने सभी रीजनल दफ्तरों को आदेश जारी कर दिया है। कर्मचारी भविष्य निधि कल्याण समिति ने बताया कि अभी तक इन क्लेम के निपटारे के लिए समय सीमा तय नहीं थी, इस व्यवस्था से कर्मचारियों को बहुत बड़ा फायदा होगा। तो दोस्तों बहुत बड़ी खबर निकल कर आ चुकी है, अगर किसी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो केवल 7 दिन के अंदर, और अगर कोई कर्मचारी रिटायर होता है तो केवल 20 दिन के अंदर उसके क्लेम का निपटारा करना होगा। दोस्तों पहले बहुत ज्यादा परेशानी आती थी, कई दिन कई महीने लग जाया करते थे इस क्लेम के निपटारे को लेकर, लगातार ऑफिस के चक्कर लगाने पड़ते थे, उसके बाद ये क्लेम का निपटारा हो पाता था। और दोस्तों आप लोग मुझे कमेंट करके जल्दी से बता दीजिए आपको ये अपडेट कैसी लगी, नीचे कमेंट बॉक्स में आके बताइएगा जरूर। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ, और इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को ठीक नीचे एक लाल रंग का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, आप उसको दबाइए, और दबाने के बाद एक बेल का आइकॉन आएगा, आप उसको भी दबाइए ताकि इस तरह का हर नया वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। और अपना ख्याल रखिएगा, फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।